फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज सुबह भाई मैंने एक वीडियो डाल दी थी और उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बीटेक और एमटेक के एग्जाम है वो ब्लेंडेड मोड में होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, उससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस KUK की वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। तो उसी से रिलेटेड आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूं, क्या गाइडलाइंस है। जो आंसर शीट का सैंपल है वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से सैंपल जारी किया गया है आंसर शीट का, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो माउस का कर्सर है यहाँ पर आप लोग देखो, ये गाइडलाइंस है भाई, और इनको जैसे ही आप ओपन करते हैं आपके सामने ये आ जाएगा। अब इसके अंदर भाई जो गाइडलाइंस है यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई है, यहाँ पर स्पेशली मेंशन है कि गाइडलाइंस किन के लिए है। ये देखो भाई, ये जो गाइडलाइंस है ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जितने भी स्टूडेंट है बीटेक और एमटेक, ठीक है, बीटेक के कौन से स्टूडेंट है, बीटेक के अपने पास आगे थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर के, और एमटेक के अपने पास आगे थर्ड सेमेस्टर के, और 2000 ऑनवर्ड बैच के जितने भी स्टूडेंट है भाई, ये उनके लिए गाइडलाइंस है। अब इनके जो एग्जाम है वो 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर मेंशन है कि जो आप लोगों के एग्जाम है वो ब्लेंडेड मोड में होंगे, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आप लोगों के एग्जाम लिए जाएंगे। तो जनरली मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा था ब्लेंडेड मोड का मतलब क्या होता है। भाई ब्लेंडेड मोड का मतलब ये होता है, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहो ऑनलाइन दे सकते हो, ऑफलाइन देना चाहो ऑफलाइन दे सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया अपने पास। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में बोला गया है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर है ना वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है, यानी कि जो पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन होगी ना उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो क्या करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। ये है, विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट द पेपर एज पर इंस्ट्रक्शंस इन द पेपर। उसके बाद आप लोगों को वही जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो 4 घंटे का किया जाएगा। ठीक है, अब इस 4 घंटे के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, उसके बाद जो आप आंसर लिखोगे वो हो गया, उसके बाद आप लोगों की स्कैनिंग ऑफ आंसर शीट एंड अपलोडिंग द शीट PDF files in the attendance com answer sheet uploaded sheet uploading Google form which will be provided at the time of examination। तो यहाँ पर भाई 4 घंटे के लिए जो आप लोगों का टाइम दिया गया है, सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि आंसर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए, उसके बाद PDF बनाने के लिए, और PDF बनाने के बाद जो आपका PDF होगी, जो आपकी PDF होगी वो आप लोगों को गूगल फॉर्म के ऊपर क्या करनी होगी, जो भी आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा उसके ऊपर क्या करनी होगी, उसको अपलोड करनी होगी। तो इसके लिए 4 घंटे का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। Proper attendance should be given while uploading the answer sheet and it should be checked by the student before uploading whether the appropriate answer sheet is being sent। यानी कि यहाँ पर स्पेशली ये बोला गया, अभी आप लोगों को चेक कर लेना है कि आपके द्वारा जो भी सीट दी गई है, यानी कि जो PDF भेजी गई वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद आप कितनी सीट वगैरह यूज कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर मेंशन है, द कैंडिडेट विल डाउनलोड नोट डाउन द क्वेश्चन पेपर एंड विल सोल्व द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम देयर रिमोट लोकेशन ऑन A4 साइज सीट। तो आपको आपको उसके लिए क्या करना है, A4 साइज क्या करनी है, सीट का यूज करना है। अब इन्होंने बोल दिया कि सैंपल हमने साइट के ऊपर प्रोवाइड कर दिया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा। उसके बाद जो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट यूज करनी है भाई, वो 36 यूज करनी है। ठीक है, कितनी सीट यूज करनी है, 36 यूज करनी है। उसके बाद आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है वो सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये तो आपको पहले से पता है, मान के चलो आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब 5 करने हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, तो आपको सबसे पहले 2nd अटेम्प्ट करना है, फिर 4th अटेम्प्ट करना है, और फिर आपको 7th अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट आप कितनी यूज कर सकते हो, 36 यूज कर सकते हो। उसके बाद ये जानकारी है भाई जो आप लोगों को सीट के फ्रंट पेज के ऊपर लिखनी है। ठीक है, तो मैं ये सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड कर, मतलब जो ये सीट का सैंपल है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है भाई अपने पास, यहाँ पर लिखा हुआ है द PDF should be saved as roll number and subject code। तो भाई जो PDF का नाम है वो क्या होना चाहिए, आप लोगों को देखो यहाँ पर, she will require to complete all the process and upload the soft copy of answer PDF format in the attendance form answer sheet uploading the Google form within the specified time। 4 घंटे के टाइम के अंदर आपको अपलोड करनी होगी, और जो PDF का नेम है वो आपका एज ए रोल नंबर एंड सब्जेक्ट कोड। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है, और रोल नंबर के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट कोड लिखना है। ठीक है, यही होगा, आगे देख लेते हैं आप।
रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड आपका होना चाहिए। स्टूडेंट आर एडवाइज टू डाउनलोड द पीडीएफ स्कैनिंग ऐप इन द मोबाइल एंड स्कैन इमेजेस शुड बी क्लियर। तो वही है भाई, आपका जो पीडीएफ का नाम है वो आपका रोल नंबर और क्या होना चाहिए, जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो होना चाहिए। उसके बाद आप ऐप वगैरह जो आपका मन करे यूज कर सकते हो, वही पीडीएफ बनाने के लिए पहले भी किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद द स्टूडेंट शुड एंश्योर दैट दे हैव प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। इन केस एनी स्टूडेंट डू नॉट हैव मोबाइल फोन और हैविंग नेटवर्क प्रॉब्लम एक्सेट्रा, इन दैट केस ही स्लैश सी कैन सीक हेल्प फ्रॉम यूआईटी केयूके रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर एज पर डिपोजिट आर कॉपी ऑफ आंसर बुक। डिस्कनेक्शन रीअपीयर फ्रॉम गूगल मीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विल बी